आदमी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो गुलाम है कि आजाद। आदमी का कर्म बताता है कि वो गुलाम है और आजाद। हर गलत काम करने का अगर विरोध नहीं करता कोई आदमी तो वो गुलाम, और हर गलत काम करने का विरोध करने की जो हिम्मत करता है वही आजाद। मेरे माने में आजादी और गुलामी की यही परिभाषा है कि जो आदमी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि ये गलत हो रहा है, उस गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, वो सब गुलाम है। और जो